हाय एवरीवन, दिस इज़ व्लॉग 2121 ऑफ क्रेजी कॉम्पस। मेरा आवाज़ अभी थोड़ा नींद वाला लग रहा है, तो उसके लिए ये माफ़ी मांगेंगे। बताइए सर अपनी करामात। अरे नहीं, मैं तो बस यही पास कर रहा था, सोचा सुबह सुबह, तो फिर सोचा क्यों ना भाई को ले ही लेते पास, अकेले क्यों पास करेंगे सर घर की तरफ से। मॉर्निंग थोड़ा मतलब सोचा आसपास, थोड़ा छोटा सा काम है, सब कोई मेजर काम नहीं है। काम वाम कुछ नहीं है दोस्तों, इसे बस इधर से कुछ घर के काम से जाना था। सुबह सुबह ये उठ गया तो सोच रहा है बाकी लोग क्यों सोए रहे आराम से। इतना भी बुरा मतलब मॉर्निंग इज गुड नो, अर्ली मॉर्निंग उठना अच्छा आदत है। तो खैर जो भी इसने कॉल किया तो मेरा स्पाइडी सेंस काम किया और मुझे लगा कि ये कुछ प्रैंक करने की कोशिश कर रहा है। तो इस प्रैंक वाज हाफ सक्सेस, उसमें नो डाउट, बट उठा तो दिया इसने, फुली सक्सेस करते हैं। तो खैर हम भी अकेले क्यों सोए, हम लोग सोच रहे थे अतुल को भी उठा लेते हैं सो दैट हम डूबे तो सब डूबे। बहुत डरते हो यार, चलो अभी गंगा पार तुम लोग अब दिलाते हैं कुछ अच्छा अच्छा माहौल का मजा। सो अभी हम लोग जा रहे हैं कहीं भी पता नहीं, अभी थोड़ा बहुत लग रहा है कि दीघा घाट की तरफ नहीं जा सकते हैं। चाय पीना है, चाय इज़ इम्पोर्टेंट। अतुल को ये बोल के लाया गया है कि यार चलो चाय पी के आते हैं, और कहाँ जाना है अभी से नहीं बताया गया। गूगल मैप में पता चला ये सिवान जाते हैं तो हम लोग हाजीपुर वाले लेन में जाएंगे अभी। तो दोस्तों रेलवे फाटक पे लोग काफ़ी जीनियस लोग हमें मिलते हैं, एज यू कैन सी कि होना क्या चाहिए कि एक लेन इधर से जाने वाला रहता है, एक लेन उधर से आने वाला रहता है। बट वी आर ह्यूमंस यू नो, वी आर ऑलवेज इन अ हरी बिकॉज एवरी वन हैज़ टू कैच अ ट्रेन विच इज़ नेवर गोइंग टू कम टू द डेस्टिनेशन। पॉइंट इज, अंग्रेजी तुमने बोली है मेरे को बहुत अच्छा लगा। और वो दूसरे को ऑटो वाला तीसरा लेन भी बना रहा है, तो यार क्या हो रहा है कि इधर का सब जैम पैक कर देगा फिर उधर से आएगा कैसे। नहीं मतलब सीरियसली गाइस, लाइक अगर आपको पता है रेलवे क्रॉसिंग पे कि सामने से भी गाड़ी आने वाली है, ऐसा तो नहीं है कि वन वे होता है, तो ऑब्वियसली थोड़ा डिसेंसी मेंटेन करो कि एक सिंगल लेन मेंटेन करो ताकि स्मूथली ट्रैफिक। अभी देखो इनके वजह से मैं बता रहा हूँ, खुलने के बाद ही 5 से 10 मिनट एक्स्ट्रा लगेगा निकलने में, लेकिन ये लोगों को समझ नहीं आएगा। और आई एम प्रीटी श्योर अबाउट वन थिंग, चैलेंज लगाएगा क्या, जितने जीनियस लोग इस साइड है उतने जीनियस लोग उस साइड भी होंगे फॉर श्योर। ये बात बिल्कुल सही है, वो भी लाइन में खड़ा रहा। मैं तो एक बार फंसा था, दिमाग में एकदम सेट हो गया भाई, एक बार आदमी समझ जाता है। मैं जिंदगी भर में सीधा मेंटेन करता हूँ भाई, छोड़ो कितना भी हो जाए नहीं, लेकिन ये लोग को समझ नहीं आता है यहाँ पे। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि नेवर यू नो लेट टेम्पररी प्लेजर्स यू नो ओवरटेक द बर्डन ऑफ यू नो परमानेंट डैमेज। तुम्हारा अंग्रेजी को बहुत पसंद आया। यस यस आथू। किसी फूल सा थर थर आता हूं, तू भले रत्ती भर न सुनती है, मैं तेरा नाम बुदबुदाता हूं। तो यार हम लोग मुजफ्फरपुर वाले रोड में आ गए हैं, रोड तो एक नंबर है, एकदम मक्खन जैसी गाड़ी आगे बढ़ रही है, बट अब भूख लगना शुरू हो गया है। तो वी आर लुकिंग फॉर समथिंग, कुछ ढाबा टाइप का मिलता है तो वहीं पे कुछ नाश्ता वाश्ता। अबे कैरी ऑन बता बस। नहीं आई वाज थिंकिंग कि आगे जो यहाँ से वैशाली कितना किलोमीटर है, जिला वही है वैशाली। तो क्या बोलते हो गाइस, वैशाली भी चली जाए क्या, वैशाली का ब्लॉग भी जल्दी आएगा। तो बोल दिया भाई ने क्या हमारा पे तो बात करनी है, बढ़िया रोड एक नंबर है भाई।
थोड़ा सा शरीर वगैरह सीधा किया जा रहा है, ये टॉल वगैरह स्टार्ट था तो यहीं से लोग लौट रहे हैं। चलो गाइस थोड़ा कुछ खा लेते हैं, भूख लगा सुबह से, वो इन लोगों को निकाल दिया है, कुछ खिलाया नहीं तो बहुत गाली मारेंगे। This is the check ना, this is the something something, this is the cheers, अबे जल्दी cheers करो, जल्दी cheers करो, cheers, yes, जब भी आप कहीं बाहर जा रहे हो आप और आप श्योर नहीं हो कि क्या खाएं, you are not sure about the quality of the food, so the safest option रहता है omelet. हम तो ऐसे bread omelet हमारा favorite है, but यहाँ पे bread available नहीं था, so we have ordered. So यार this was our place, NH-22 पे है ये, what is it called, लाल पोटी ढाबा. मुझको बाहों में तुम ले रो, सेनोरिटा. खैर अतुल की किडनैपिंग आज की यू नो फिनिश हो गई है, अब हम लोग इसे ड्रॉप करें, सो सेफली होम ड्रॉप हो चुका है. पहले कैमरा पे बोलो सेफली घर आ गए. मैं सेफली घर आ चुका हूँ और अभी घर पहुँच के, मतलब जब तक गेट के अंदर ना जाऊँ तब तक आप लोग ये मत समझना कि मैं घर, बस बस एक कट हो जाएगा. बस सो गाइस वी हैड अ, आई थिंक अच्छा लगा, मजा आया कि नहीं? मजा आया, बहुत मजा आया. चलो अच्छा यार, फिर विल प्लान समथिंग लाइक दिस अगेन, ऐसा फिर से प्लान करूं, फिर से ऐसा किडनैपिंग प्लान करेंगे. ये बस टीजर ट्रेलर था, अभी पिक्चर अभी बाकी है. किडनैपिंग का मास्टरमाइंड नहीं बोलूंगा, नहीं रिकॉर्ड हो जाएगा, रिकॉर्ड हो गया. चलो फिर इससे हम लोग अतुल को बाय बोलते हैं. चलो अतुल बाय 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 बाय, थैंक यू थैंक यू थैंक यू. तो काफी रैंडम व्लॉग था ये, रैंडमली ही केम, ही टोल्ड मी कि नीचे आ जाओ, मैं आ गया नीचे. थोड़ा बहुत पता था, थोड़ा नहीं भी पता था, इसीलिए सॉक्स स्लिपर्स में आ गया. एज अ मैटर ऑफ फैक्ट अंदर जो टी शर्ट पहन के सोया था उसी के ऊपर जैकेट डाल लिया है और एक सीक्रेट और एक ट्राउज़र, फुल ट्राउज़र के ऊपर ये जीन्स पहना. ठंडी, बट एक्चुअली इट्स वेरी हॉट राइट नाउ, लाइक ठंडी जा रही है ऐसा लग रहा है, क्योंकि मेरे को तो जैकेट का जरूरत ही नहीं पड़ा.
एंड कार के अंदर तो और पता नहीं चल रहा था। एनीवेज इंपॉर्टेंट मुद्दा ये है गाइस, लाइक कि ऐसे प्लान जरूरी होते हैं, आप खुद कमेंट सेक्शन में बताना यार। समटाइम्स इट्स गुड टू बी अनप्लान्ड एंड सडन डिसीजन बहुत अच्छे होते हैं। सो ऐसे ही दिमाग घुमा और भाई को उठा लिया, क्या है ऐसे करना भी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल उठा सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे आई गेस। ऐसे ही कभी उठा के गोवा में पटक दो यार। वो भी होगा, बिल्कुल होगा, इट्स ऑन, वो हमारा बकेट लिस्ट में सब कुछ है। सो सून वो भी आपको विटनेस होगा, बट सडन आई डोंट थिंक सो, प्लान ही होगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय कर लीजिएगा, टेक केयर, मेहनत कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हाँ यार, प्लीज सब्सक्राइब, प्लीज लाइक, बेल नोटिफिकेशन को प्लीज ये करो, नोटिफाई करो, एंड डू शेयर प्लीज, एज अ फैमिली वी नीड टू ग्रो। जो भी वीडियो पसंद है वो, जो नहीं पसंद है आप कमेंट में बता। हाँ प्लीज, यू आर ओपन टू गिव योर ऑनेस्ट फीडबैक, हम हर तरह के कमेंट को वेलकम करते हैं, गाली मत देना यार बस। लेकिन हाँ, आप प्लीज अपने फीडबैक दे सकते हो, एज अ चैनल वी आर ऑल्सो ग्रोइंग एंड वी आर ऑन अ लर्निंग स्टेज, तो हम चाहते हैं कि वी इम्प्रूव एवरी डे। ठीक है, टाटा बाय बाय। क्रेजी कॉम्पस कहता है आपको बाय बाय, स्टे सेफ एंड प्लीज अपना ख्याल रखें। हाँ जी। Continue on National Highway 22 for 1.5 kilometers. Yeah, मेरा तो favorite रहता bread omelette. But hi friend. Hey.